वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। कई घाट ऐसे हैं जहां से संपर्क मार्ग टूट चुका है और इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर आरती की जगह भी बदलनी पड़ी है। धर्मनगरी काशी में मां गंगा गुस्से में है, मां गंगा उफान पर है। गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। घाटों पर अफरा तफरी मच गई है। घाट किनारे में छोटे बड़े मंदिर और घाटों की कई सीढ़ियां डूब गई। यहां तक कि दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल भी बदलना पड़ा। बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है बनारस में। अभी 3-4 दिन पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर जो गंगा जी का पानी बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी का सबब है। घाट पे स्थिति ये है कि इस समय सौदा के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सौदा ऊपर हो रहे हैं और सौदा में लोग जो बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। गंगा और यमुना के प्रवाह पथ पर लगातार बारिश और कानपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा तेजी से घाटों की सीढ़ियां चढ़ने लगी है। घाटों पर पड़े अपनी चौकियां और मल्ला नावों को सुरक्षित करने में जुट गए। महाशमशान मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल बदल कर ऊंचे स्थानों पर किया गया। गंगा में उफान के बीच अब भी नौका संचालन होने से पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन भी नौका विहार पर रोक लगा सकती है। वहीं गंगा में जल पुलिस को भी हालात देखते हुए अलर्ट पर रखा गया। गंगा में जो है पानी का लेवल मिलता है प्रयागराज से, ऊपर से, सभी डैम से हम लोग लगातार उस वाटर लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जितने भी ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत हैं, उन सभी लोगों को और शहर के जितने भी हमारे पुलिस फोर्स है, गांव की पुलिस फोर्स है, हमारी बाढ़ चौकियां, उन सबको हमने तैयार और अलर्ट पोजीशन में रखा है। पूरी जो NDRF की टीम है उसको भी हाई अलर्ट पर रखा है। जो हमारी फ्लड PAC है, जल पुलिस है, उन सबको भी निर्देशित कर दिया गया है। जितने हमारे बचाव संयंत्र हैं, नावें हैं, उन सबको चिन्हित कर लिया गया। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने इन दिनों तबाही मचा रखी है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। धर्मनगरी काशी में भी माँ गंगा गुस्से में है और काशी वासियों को माँ गंगा के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। विनय सिंह, वाराणसी, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।